क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी बीमारी के लिए पहले 3-4 डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना पड़ा, उसके बाद ही जाकर कहीं आप सही डॉक्टर तक पहुंच पाए, और जिसकी वजह से आपका काफ़ी धन भी खर्च हो गया और आपका समय भी बर्बाद हो गया, और इसका परिणाम ये भी हुआ कि आपको अपनी बीमारी की वजह से लंबे समय तक सफ़र करना पड़ा। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ बीमारियों और उनके लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए बजाय कि किसी और डॉक्टर के पास। मैं हूं डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। अगर आपके पैर में या हाथ में झुंझुनी हो रही है, जलन हो रही है या सुनपन हो रहा है, तो यह न्यूरोपैथी का लक्षण हो सकता है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपके पिंडली में दर्द हो रहा है, और खासकर ऐसा दर्द जो शाम के वक्त होता है या रात के वक्त ही ज़्यादा होता है, तो यह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की बीमारी का लक्षण हो सकता है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द है और इस दर्द के साथ आपको पेशाब करने में दिक्कत होने लग गई है अचानक ही, तो यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा प्रभावित हो गया हो। अगर अचानक ही आपके एक हाथ और पैर में कमजोरी आ गई है और गर्दन से ऊपर कोई लक्षण नहीं है, तो यह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मायलोपैथी का कारण हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको बैठकर उठने में दिक्कत हो रही है, आप लंबे समय तक बैठे और बैठकर उठ ना पाएं, आपको सपोर्ट लेना पड़े और ये भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा हो, और ऐसा ही आपके हाथों को ऊपर कंधे से ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो, तो यह भी मायोपैथी का लक्षण हो सकता है, मतलब मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी को अचानक ही एक हाथ या पैर में कमजोरी हो जाए, चलने में लड़खड़ाहट हो जाए, बोलने में असुविधा होने लगे या बिल्कुल ही बोलने में असमर्थ हो जाए, या किसी की नज़र अचानक चली जाए, सुनने में बिल्कुल अड़चन आ जाए, तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। और ठीक ऐसा ही लक्षण मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ये हमने पहले के वीडियो में भी बताया है आपको कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक के लक्षण लगभग समान होते हैं, बस फर्क होता है इनके ऑनसेट का। यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ज़्यादा वक्त लगता है लक्षणों को प्रकट होने में, जबकि स्ट्रोक में ज़्यादा एब्रप्टली आते हैं, ज़्यादा एक्यूटली आते हैं। तो अचानक ही अगर शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे, तो यह स्ट्रोक का या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का लक्षण हो सकता है जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर याददाश्त में कमी हो रही है, वर्तमान की बातें भूल रहे हैं या बहुत दूर की बातें भूल रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में यह ब्रेन की समस्या हो सकती है। हर केस में यह न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं भी होती है, कई बार की हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह भी याददाश्त की कमी का कारण बन सकती है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है और वो दर्द पैरों तक जा रहा है, एड़ी तक चला जा रहा है या अंगूठे तक चला जा रहा है, तो यह साइटिका का लक्षण हो सकता है। ऐसा ही अगर कोई दर्द गर्दन से शुरू होकर हाथों तक चला जाए, हाथों में झुंझुनी भर जाए या हाथ की उंगली सुन्न होने लग जाए या कमजोर पड़ने लग जाए, हाथ उठाने में दिक्कत होने लगे, तो यह सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का लक्षण हो सकता है, जो कि स्लिप डिस्क की वजह से हो सकता है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है, और इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। ऐसी ही एक बीमारी है पार्किंसन डिजीज। इस बीमारी में मरीज धीरे धीरे करके स्लो होने लग जाता है, उसे हर काम को करने में सामान्य से अधिक समय लगने लगता है, जैसे चलने में धीमा हो जाना, खाना खाने में ज़्यादा वक्त लगाना, नहाने में, कपड़ा पहनने में ज़्यादा वक्त का लगना, ये ब्रेडीकाइनेजिया कहलाता है, अर्थात शरीर का स्लोपन या धीमापन। और कुछ मरीजों को इसमें ट्रेमर्स भी आने लग जाते हैं, कंपन आने लग जाते हैं, और अगर आप उनके हाथों को हिलाने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा कि उनके हाथ या पैर थोड़े सख्त होने लग गए हैं, रिजिडिटी आ गई है। तो ये सारे लक्षण पार्किंसन डिजीज के हो सकते हैं जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को ही संपर्क करना चाहिए। फिर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें चेहरे में बहुत ही भयानक बिजली के करंट सा पेन होने लगता है, और ये पेन कई बार की क्लस्टर्स में आता है, एक साथ बहुत बार आता है, जिसकी वजह से मरीज को खाना खाने में, हवादार स्थान में बैठने में बड़ी अड़चन होने लगती है। थोड़ी भी हवा पड़ती है तो बहुत तेज का दर्द होने लगता है, खाना का एक निवाला भी मुंह में डाले तो तकलीफ होने लग जाती है, ब्रश करे तो तकलीफ होती है, बात करे तो तकलीफ होती है, तो यह ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का लक्षण हो सकता है, जिसे हिंदी में त्रिनाड़ी शूल भी कहा जाता है। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस या इंसेफलाइटिस, ये ब्रेन के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इनमें मरीज को यूजुअली हेडेक, वॉमिटिंग और फीवर होता है साथ में। ये तीनों ही चीज़ें अगर हो रही हैं और अचानक शुरू हुई हैं, तो यह मेनिंजाइटिस या इंसेफलाइटिस का लक्षण हो सकता है, जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अधिकतर हेडेक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ही होते हैं, जैसे माइग्रेन है, स्ट्रेस हेडेक है,
या सेकेंडरी कॉसेस से होने वाले हेडेक जिसमें ब्रेन के अंदर कोई समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, स्ट्रक्चरल कारण हो जिसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम की वजह से, साइनोसाइटिस की वजह से भी मरीज को बिल्कुल माइग्रेन की तरह पेन हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको जानकार होना चाहिए ताकि आप सही डॉक्टर को दिखा पाएं। अगर किसी को अचानक ही एक चीज़ डबल डबल दिखाई पड़ने लग जाए तो यह यूजुअली आँख की समस्या न होकर न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है, इसके लिए भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अचानक बेहोश हो जाए, हाथ पैर में अकड़न आ जाए, चेहरा एक ओर घूम जाए और एक गर्राने सी आवाज़ आए और साथ ही मुँह से झाग आने लगे या दांत भीग जाए और जीभ कट जाए, तो ये मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। ये तो ये बड़ी मिर्गी है जिसे हम GTCS कहते हैं या ग्रैंड मैल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा छोटी मिर्गियाँ भी होती है जिन्हें हम फोकल एपिलेप्सी विथ इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसमें कि मरीज को बड़े झटके तो नहीं आते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए इस संसार से मानो कनेक्शन टूट जाता है, वे अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, आप उनसे कुछ बोले तो वो समझ नहीं पाएंगे, जैसे वो अचानक ही गुम हो जाते हैं और उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि वो एक ओर देख रहे हैं, हाथ में कुछ मूवमेंट हो रहा है, एक हाथ बिल्कुल स्थिर है या जीभ में इस तरह का मूवमेंट होने लग जाए, तो यह भी कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर या फोकल एपिलेप्सी विद इम्पेयर्ड कॉन्शसनेस का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ मिर्गियाँ ऐसी होती हैं जिसमें केवल चेहरे में ट्विचिंग्स आ सकती हैं, झटके आ सकते हैं, हाथ में केवल ट्विचिंग्स आ सकती हैं, केवल पैर में झटके आ सकते हैं, तो ये फोकल एपिलेप्सीज होती हैं जिसके लिए भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी का अचानक व्यवहार बदल जाए बिना किसी बाह्य कारण के, कोई ऐसी घटना आसपास न घटी हो जिसकी वजह से मानसिक असंतुलन हो सकता हो, उसके बावजूद मरीज के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाए, तो यह भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन के अंदर कभी कभी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से या ब्रेन के अंदर खून की सप्लाई कुछ विशेष हिस्सों में बंद हो जाए तो भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक साइकोसिस कहलाते हैं, तो ऐसे लक्षणों के लिए भी आपको हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़े। तो अगर आप इन न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का ध्यान रखेंगे तो आपको बीमारी को समझने में, पहचानने में आसानी रहेगी और आप सीधे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह जानकारी बड़ी उपयोगी है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।